दोस्तों, क्या आप जानते हैं, प्राचीन समय में बने भारत में कुछ ऐसे मंदिर हैं जो अपने रहस्य और चमत्कार के लिए जाने जाते हैं और साथ में अपनी वास्तुकला के साथ विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों के लिए पूरे विश्व भर में प्रचलित है। ऐसे में मंदिरों से इस प्रकार की रहस्य और चमत्कार की बातें सामने आना किसी को भी हैरान कर सकती है। इसमें से कुछ ऐसे मंदिर भी है जिसके संबंध में आपने कभी ना कभी तो सुना और जाना भी होगा, परंतु आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बतलाने जा रहे हैं जो हुई थी वर्तमान समय में चमत्कारिक सच्ची घटना। 400 वर्ष तक बर्फ से ढके रहे केदारनाथ मंदिर के रहस्य प्राचीन समय में बने भारत में कुछ ऐसे मंदिर हैं जो अपने रहस्य और चमत्कार के लिए जाने जाते हैं और साथ में अपनी वास्तुकला के साथ विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों के लिए पूरे विश्व भर में प्रचलित है। ऐसे में मंदिरों से इस प्रकार की रहस्य और चमत्कार की बातें सामने आना किसी को भी हैरान कर सकती है। इसमें से कुछ ऐसे मंदिर भी है जिसके संबंध में आपने कभी ना कभी तो सुना और जाना भी होगा, परंतु आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बतलाने जा रहे हैं जो हुई थी वर्तमान समय में चमत्कारिक सच्ची घटना। किसने बनवाया था? केदारनाथ मंदिर। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार केदारनाथ मंदिर को पांडवों द्वारा बनवाया गया था और शास्त्रों के अनुसार इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग लोक गए थे। कई वर्षों के पश्चात इस मंदिर का पुनः निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा बनवाया गया था और इसी मंदिर के पीछे उन्होंने समाधि ले ली थी जो आज तक वहां पर उपस्थित है। तत्पश्चात जवियों से 13वीं शताब्दी में भारत के अनेकों राजाओं द्वारा इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया और जीर्णोद्धार भी हुआ। भारतीय राज्य के देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड और गिरिराज हिमालय सीमा पर स्थित केदार नामक चोटी पर स्थित है। देश के 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर। यह भगवान शिवलिंग की पूजा विग्रह रूप में की जाती है जो बैल की पीठ जैसे त्रिकोणाकार रूप में। केदारनाथ मंदिर को केदारनाथ धाम भी कहा जाता है। मंदिर में मुख्य भाग में मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ है। बाहर आंगन में नंदी बैल भगवान शिव के वाहन के रूप में विराजमान है जिनकी श्रद्धालु पूजा भी करते हैं। जब आप केदारनाथ मंदिर के समक्ष चारों परिक्रमा करते हैं तो आप पाएंगे कि यह मंदिर का निर्माण कार्य विशाल चट्टानों के कटवा भूरे रंग के पत्थरों को विशाल शिलाखंड को जोड़कर बनवाया गया है। परंतु आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह जो आप विशाल मंदिर को देख रहे हैं, इन मजबूत पत्थरों को जोड़ने के लिए आपस में एक दूसरे को अंग्रेजी में कहा जाए तो इंटरलॉकिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया है और इसी प्रकार के टेक्नोलॉजी वाले विशालकाय मंदिरों को आप दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में देख सकते हैं। हजारों वर्षों पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, तो फिर बिना किसी टेक्नोलॉजी के इस मंदिर का सटीक तरीके से निर्माण आखिर कैसे किया होगा? केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब रोचक बात यह है कि इन विशाल पत्थर और शिलाखंडों को इतनी ज्यादा ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचाया गया होगा और साथ में इस मंदिर का किस प्रकार निर्माण किया होगा, यह सोचकर ही दिमाग चकरा जाएगा। 400 वर्ष तक बर्फ से ढके रहे केदारनाथ मंदिर का रोचक रहस्य और चमत्कार। जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक एक छोटा हिमयुग आने के कारण हिमालय के बड़े क्षेत्र के अंतर्गत केदारनाथ मंदिर भी 400 वर्ष तक बर्फ से ढका रहा था। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं। 6 महीने मंदिर बंद और दीपक प्रज्वलित। आखिर कैसे रहता है, दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीतलहर शुरू हो जाती है जिसके कारण केदारनाथ मंदिर के पुजारी द्वार भक्तों के लिए 6 महीने तक बंद किए जाते हैं, परंतु मंदिर के अंदर निरंतर 6 महीने तक दिया जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर समस्त देवताओं को उमीखट लाया जाता है, वहां उनकी पूजा की जाती है। 6 माह समाप्त होने के पश्चात अक्षय तृतीया के दिन केदारनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन के द्वार भक्तों के लिए खोले जाते हैं, जहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं। केदारनाथ मंदिर का दृश्य, मंदिर की सुरक्षा का भार श्री भैरवनाथ जी ही संभालते हैं। जो भी भक्तगण केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने हेतु यहां आते हैं, उन्हें पहले श्री भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा केदारनाथ यात्रा विफल मानी जाती है।